परिषद की तरफ से यूपी में दावा रखा गया है, आप भी इसमें शामिल हुई हैं, कैसे आप इसमें शामिल हुई, कैसे जुड़ी, इसके बारे में जानते हैं? महाराष्ट्र महिला परिषद जो 25 साल से ऊपर, उनको साल हो गए कि वो मुमरा में काम कर रहे हैं, मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ। एक बचत गढ़ है, मुक्ताई महिला बचत गढ़, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और हम लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। पिछले 20-25 सालों से मेरी माँ इस संगठन से जुड़ी हुई है, वो इस संगठन से जुड़ के ही वो अपना काम कर रही है, तो उसी तरह से हम लोग आज इस प्रोग्राम में उसी तरह से शरीक हुए हैं। महाराष्ट्र महिला परिषद की NGO पिछले कई सालों से मुमरा में काम कर रही है, बचत गट के माध्यम से, दत्तक पालक योजना रही है, ऐसी बहुत सी योजनाएं, घरेलू कामगार महिलाएं उनकी, उनके लिए कुछ सरकारी योजनाएं रहेंगी या उनकी संगठना रहेगी, ऐसे कई कामों के लिए वो मुमरा में हमेशा बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आज युवती मेलावा उनकी तरफ से रखा गया है, पिछले कई सालों पहले भी ये मेलावा हुआ था। यहाँ पर तरह तरह के गेम है, इसमें खासियत ये है कि 20 साल से लेके 45 साल 20-45 एज की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनके लिए ये मेलावा रखा गया है, जिसमें उनको तरह तरह के गेम्स हैं कि वो पढ़ सके या देख के लिख सके। कई बार ऐसे होता है कि देख के कॉपी कर लिखना पड़ता है, जो चीज़ें हम देखते हैं क्या उसी तरह से हम उन्हें आत्मसात करते हैं या उसी तरह से हम उन्हें आगे लेके जाते हैं क्या, तो इससे रिलेटेड एक गेम है या नक्शा है, जो देश का नक्शा है, भारत का नक्शा है, उसमें से आप अपना गांव ढूंढो, अपना शहर ढूंढो, अपना जिला ढूंढो। मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, ऐसे कई सारे गेम्स हैं जो लड़कियां आजकल, आपको मैदानी खेल भी है, जैसे तीन पैरों की लंगड़ी रहेगी, जो लड़कियां आजकल आपको नहीं दिखती कि वो मैदान में खेले, या आपकी उम्र या एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद लड़कियां, वो क्रिकेट जैसा गेम है तो वो लड़कियां नहीं खेल पाती है, तो आज उनके लिए ये एक दिन ऐसा है कि अपने रोज़मर्रा की चीज़ें आप साइड में रखकर कुछ नया सीखें, कुछ पुरानी चीज़ें वापस याद करें और खुद उसमें एंजॉय करें, इसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। देखा जाए तो मेडिकल चेकअप के लिए महिलाएं बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिसाद दे रही है, माधवबाग एक ऐसा क्लिनिक है जो पिछले कई सालों से थाने में कलवा में उनका काम चलता है, तो उनके डॉक्टर्स आज आए हैं जो फ्री में चेकअप करा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र महिला परिषद, ये हमारी महिला संगठन है, पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं। मेरा नाम नीला लिमय है, मैं ये महिला संगठन की जनरल सेक्रेटरी यानी मराठी अपन म्हणतो सरचिटणीस, महासचिव हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का युवती मेलावा रखा गया है, किस तरह की जो है जानकारियाँ यहाँ पर? बिल्कुल, युवती मेलावा एक थोड़ा अलग से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है कि जिसमें 20 से लेकर 45 के एज तक की महिलाएं और लड़कियां शरीक होगी। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, और अगर 20-22-23 की उम्र में ही उसको यदि बच्चा हो गया तो उसका खेल कूद से कोई वास्ता ही नहीं रहता। कई सारी उसमें जो खूबियाँ है, जैसे कोई अच्छा बात करना कर सकती है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकती है, कोई अच्छे खेल खेल सकती है, वो उसका सब छूट जाता है। तो हमने लोगों से ये कहा कि आप अभी ऐसे उम्र में हैं कि अगर फिर कोशिश करेंगी तो आप बिल्कुल इसमें शरीक हो सकती हैं, और इसलिए उनमें जो स्किल्स है, जी कौशल्य है, वो स्किल्स वो अपनी ढूंढे, इसलिए हमने उनको यहाँ बुलाया। यहाँ पे 14 खेल है, वो खेलों में वो शरीक होंगे। कौन कौन से खेल हैं और ज़्यादातर जो है लोग कौन से खेल? अभी तो मुझे अंदाज़ा नहीं आया, लेकिन एक मुझे, हम ये 5-6 साल पहले एक बार हमने किया था, एक मुझे यहाँ एक बिल्कुल नज़र आ रहा है कि लिखने का जो है उसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, जो मुझे अपेक्षित नहीं था। और सामने हमने मैप रखा है, महाराष्ट्र का मैप है और इंडिया का, भारत का मैप है, तो वहाँ अपना गांव खोजने के लिए लड़कियाँ ज़्यादा आ रही है, तो वो इसका मतलब ही ये है कि वो मैप देखना चाहती है, अलग अलग चीज़ें जो आजकल टीवी पे दिखता है कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हुआ, वो कहाँ है, ये ढूंढने में उनको अच्छा लगता है। ये एक नया हमको ध्यान में आया, और लिखना भी वो चाहती है, काफ़ी वहाँ पे भीड़ है अगर आपने देखा होगा।